चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। मेरा नाम है सुनील अधिकारी और आप देख रहे हैं कॉमर्स पॉइंट। आज चैप्टर फिफ्थ ऑर्गेनाइजिंग हम स्टार्ट करने वाले हैं। जी हाँ, पिछले वीडियो में हमने चैप्टर फोर्थ देखा था, पार्ट सी हमने चैप्टर फोर्थ का कंप्लीट करा था। चैप्टर फोर्थ को भी हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ा था। चैप्टर फिफ्थ के साथ भी हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं, क्योंकि ये लॉन्ग चैप्टर है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो हम एक एक टॉपिक को एक एक हम अलग से वीडियो बनाकर अच्छे से पढ़ने वाले हैं। चलिए चैप्टर फिफ्थ ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट ए आज स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहला जो टॉपिक है वो है मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, राइट। अगर फंक्शंस में बात करें तो सेकंड नंबर का ये हमारा फंक्शन है। प्लानिंग से हमारे फंक्शन स्टार्ट होते हैं। प्लानिंग के बाद जैसे ही प्लानिंग खत्म होती है, हम ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन की स्टार्टिंग करते हैं। देखिए, ऑर्गेनाइजिंग नाम से पता लग रहा है, कुछ भी चीजें ऑर्गेनाइज करना। आप बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, आप कोई भी अपने स्कूल में फंक्शंस वगैरह ऑर्गेनाइज होते हैं, कॉलेजेस में फंक्शन वगैरह ऑर्गेनाइज होते हैं, तो ऑर्गेनाइजिंग रेफर्स टू अरेंजिंग एवरीथिंग इन ऑर्डरली फॉर्म, मतलब कोई भी चीज़ ऑर्डरली फॉर्म में अरेंज करना, एंड मेकिंग द मोस्ट एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, दैट सिंपली मीन्स जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं, जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, उनका बेटर तरीके से इस्तेमाल करना, राइट। ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस की तरफ अगर बढ़ें तो हमारा फोर स्टेप प्रोसेस होने वाला है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। देखिए, पहला है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहले तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि एक्चुअल में हमें वर्क क्या करना है। देन कम्स द डिवीजन ऑफ वर्क, फिर वर्क को डिवाइड कर दिया जाएगा अपनी अपनी एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग। कोई भी जो हमारा सिग्निफिकेंट वर्क होगा, बड़ा वर्क होगा, उसको स्मॉल पोर्शंस में डिवाइड कर दिया जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिफिकेशन एंड द एक्सपर्टीज ऑफ द एम्प्लॉयज, राइट। द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन बिगेन विद द डिवीजन ऑफ टोटल वर्क इनटू स्मॉलर यूनिट्स, राइट। तो सबसे पहला हमारा प्रोसेस में स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई करना वर्क को और उस वर्क को डिवाइड करना स्मॉल पोर्शंस में अकॉर्डिंग टू द वर्कर्स एबिलिटी, और स्पेशलाइजेशंस को हमें फॉलो करना है। दैट सिंपली मींस वर्कर्स को वही काम देना है जिसमें वर्कर्स अच्छे हैं, जिनको जिन वर्कर्स को वो काम आता है, राइट। सेकेंड आता है, जैसे ही हमने वर्क को डिवाइड कर लिया, फिर आता है ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन, वर्क को ग्रुप करना। देखिए, इसमें क्या है, आफ्टर डिवाइडिंग द वर्क इन सिमिलर स्मॉलर जॉब्स, आफ्टर डिवाइडिंग द वर्क इन स्मॉलर जॉब्स, मतलब वर्क को डिवाइड कर दिया स्मॉलर जॉब्स में हमने, रिलेटेड एंड स्मॉलर सिमिलर जॉब्स आर ग्रुप्ड टुगेदर एंड पुट इन वन डिपार्टमेंट। देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं, आफ्टर डिवाइडिंग द वर्क इन स्मॉलर जॉब्स, वर्क को स्मॉलर जॉब्स में हमने डिवाइड कर दिया है, उसके बाद सिमिलर जॉब्स आर ग्रुप टुगेदर, मतलब जितने भी सिमिलर जॉब्स हैं हम उनको एक ही कैटेगरी में ग्रुप कर देंगे और एक ही डिपार्टमेंट के अंदर डाल देंगे। देखिए, इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। जैसे कि मान के चलिए हमारा प्रोडक्शन से रिलेटेड जितना भी काम है हमने एक डिपार्टमेंट बना दिया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। परचेज से रिलेटेड जो भी हमारा काम होगा हमने उसको परचेज डिपार्टमेंट नाम दे दिया। ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड जो भी हमारा काम होगा हमने उसको HR डिपार्टमेंट दे दिया, राइट। ऐसे ही हमने वेरियस डिपार्टमेंट बना दिए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि काम करने में हमें थोड़ा बहुत ईजीनेस हो। पूरा बच्चों क्लियर? तो ग्रुपिंग द जॉब्स एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन, जो भी सिमिलर काइंड की जॉब होगी उनका एक ग्रुप बना देना, जो भी अदर काइंड की जॉब होगी उनका अलग ग्रुप बना देना, और उनको डिपार्टमेंटल वाइज डिवाइड कर देना। डिपार्टमेंट से होगा क्या, डिपार्टमेंट से ये होगा कि हमें पता रहेगा कि कौन से डिपार्टमेंट या कौन से वेरियस सेक्शन में कौन सा काम हो रहा है। जैसे स्कूल में मान के चलिए आपके 200 बच्चे हैं, अगर उनको एक ही क्लास में बिठा दिया जाए तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा कौन किस सेक्शन के बच्चे हैं। तो वहाँ पर अलग अलग डिवीज़न करा गया है क्लास में, अलग अलग सेक्शन बना दिए गए हैं, या फिर साइंस कॉमर्स और आर्ट्स में उनको डिवाइड कर दिया गया है। तो यही काम ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है, ताकि काम के अकॉर्डिंग, वर्क के अकॉर्डिंग, उनके एक्सपर्टीज़ के अकॉर्डिंग, उनके नॉलेज के अकॉर्डिंग उनको वेरियस अलग डिपार्टमेंट दे दिया जाए और वहीं से वो ऑपरेट करेंगे अपने काम को, राइट। थर्ड आता है हमारा असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। पहला था वर्क को आइडेंटिफाई करा, डिवाइड कर दिया स्मॉल पोर्शंस में। दूसरा हमारा वर्क था डिपार्टमेंट बना दिया, ताकि हम उनको डिफ्रेंशिएट कर पाएँ कौन सा वर्क कौन से डिपार्टमेंट में हो रहा है। तीसरा है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ मतलब अब उनको काम सौंप देना। पहले काम हमने आइडेंटिफाई करा था, काम क्या है, क्या करना है, स्मॉल पोर्शंस में काम को डिवाइड कर दिया ताकि वर्कर अच्छे से काम कर पाएँ। अब डिपार्टमेंट बना दिए हमने, अलग अलग करके ग्रुप बना दिए, उनके जो सिमिलर स्किल थी उनको एक ग्रुप में डाल दिया, डिफरेंट स्किल वालों को हमने डिफरेंट स्किल में डाल दिया, ग्रुप में डाल दिया, राइट। अब उनको ड्यूटी असाइन करना, उनके रिलेटेड जो भी काम है उनको वो असाइन करना। आफ्टर डिवाइडिंग द ऑर्गेनाइजेशन इनटू स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट, ईच इंडिविजुअल वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट असाइन अ ड्यूटी मैचिंग टू हिज और हर स्किल एंड क्वालिफिकेशन, उनके स्किल और क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उनको ड्यूटीज को असाइन करना। फोर्थ है हमारा
establishing reporting relationship, मतलब उनमें reporting relationship superior और subordinate वाला relationship को develop करना, ताकि उनको पता रहे काम जैसे ही हो रहा है, काम करने के बाद रिपोर्ट हमें किसको सबमिट करानी है, राइट। द असाइनमेंट ऑफ द अथॉरिटी रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप एंड द क्वेश्चन ऑफ हु रिपोर्ट्स टू हुम इज क्लेरिफाइड, राइट। किसको रिपोर्ट करनी है, कब रिपोर्ट करनी है, कौन आपका सीनियर है, कौन आपका जूनियर है, ये होता है रिपोर्टिंग रिलेशनशिप को क्लेरिफाई करना। पूरा बच्चों देखिए चार स्टेप है, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। पहले में हमने क्या करा, वर्क को आइडेंटिफाई करा कि वर्क क्या है। वर्क अगर बड़ा है तो उसको स्मॉल पोर्शंस पे हमने डिवाइड कर लिया, वर्क आइडेंटिफाई करा, स्मॉल पोर्शंस में डिवाइड कर लिया। सेकेंड स्टेप में हमने क्या करा, जितने भी सिमिलर काइंड के जॉब हैं, जितने भी सिमिलर काइंड के टास्क है, वर्क है, जॉब है, उनको एक डिपार्टमेंट में डाल दिया और दूसरे को दूसरे डिपार्टमेंट में, ऐसे करके हम चार पांच डिपार्टमेंट हमने बना दिए। परचेज हो गया, सेल्स हो गया, हमारा एचआर डिपार्टमेंट हो गया, हमारा और क्या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो सकता है हमारा, राइट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो सकता है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट हो सकता है, वैसे करके वेरियस डिपार्टमेंट बना दिए ताकि काम करने में आसानी हो। उन सब डिपार्टमेंट के हम एक हेड बना देंगे। अब वो हेड का क्या काम होगा, हमारा थर्ड स्टेप में क्या था, हेड का जो काम था वो था असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। ड्यूटीज असाइन कर देगा उनको कि आपको एक्चुअल में करना क्या है। ड्यूटीज असाइन करने के बाद फोर्थ जो हमारा स्टेप था वो था रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। दैट मींस काम मिलने के बाद उनको बता देना कि आप काम करने के बाद आपको किसको रिपोर्ट करना है, आपको रिपोर्ट कहाँ, किसको, कब, कैसे सबमिट करनी है। पूरा बच्चों क्लियर? तो ये थे हमारे चार प्लानिंग के अफेक्टिव बनाने के हमारे ऑर्गेनाइजिंग के फंक्शन, राइट। क्योंकि प्लानिंग का ही एडवांस रूप है हमारा, प्लानिंग के बाद ही ऑर्गेनाइजिंग हमारा स्टार्ट होता है। तो ऑर्गेनाइजिंग के ये बेसिक से चार स्टेप होते हैं, हमने अच्छे से इनको डिवाइड करके पढ़ लिया, राइट। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, मतलब कि अगर हम ऑर्गेनाइजिंग अच्छे से करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में तो हमें क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं। पहला है बेनिफिट्स इन स्पेशलाइजेशन या बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। देखिए जब हम वर्क को डिवाइड कर लिया, वर्क को स्मॉल पोर्शंस में डिवाइड कर दिया और हर वर्कर को वो काम दिया है जिसमें वो अच्छा है, तो अपने आप एक्सपर्टीज डेवलप्ड होगी, स्पेशलाइजेशन डेवलप्ड होगा, वर्कर अपने काम में अच्छे बन पाएंगे, राइट। सेकेंड है रोल की क्लियरिटी हमने प्रोवाइड करा दी। हमारा फोर्थ जो स्टेप था ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का, हमने उसमें यही देखा कि हमने स्पेसिफाई कर दिया अच्छे से, डिपार्टमेंट का जो हेड है उसने स्पेसिफाई कर दिया आपको कैसे रिपोर्ट करना है, कब रिपोर्ट करना है, किसको रिपोर्ट करना है। तो इससे हो क्या रहा है, सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच का रिलेशनशिप बहुत ही ज्यादा क्लियर हो रहा है। यस और नो? चलिए थर्ड है हमारा क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। देखिए दो चीजें हैं, कंफ्यूज नहीं होना। एक होता है रोल क्लियरिटी, मतलब सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के रोल को हमने क्लियर कर लिया। देखिए इसमें थोड़ा सा स्पेसिफिक कर लेते हैं। द जॉब्स आर डिफाइंड ऑन द रिटन डॉक्यूमेंट कॉल जॉब डिस्क्रिप्शन। हमने एक रिटन डॉक्यूमेंट बनाया है जिसको हम जॉब डिस्क्रिप्शन नाम से बोलते हैं, विच क्लियरली स्पेल्स आउट, मतलब उसमें लिखा होता है वॉट एग्जैक्टली हैज टू बी डन इन एवरी जॉब। उसमें मतलब स्पेसिफिकेशन रहता है कि किस वर्कर को क्या काम करना है। ये होता है रोल की क्लियरिटी। रोल की क्लियरिटी कैसे आती है, जॉब डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट के थ्रू आती है। और क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप कैसे आता है, इसमें सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच के रिलेशनशिप को क्लेरिफाई करते हैं बाय प्रॉपर डायरेक्शन। ये कौन देता है, डिपार्टमेंटल हेड देगा कि आपको कैसे काम करना है, कैसे किसको रिपोर्ट करना है। ये सॉर्ट नो? चलिए फोर्थ रहता है हमारा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू हम मेक श्योर करते हैं कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, उनका बेस्ट पॉसिबल तरीके से यूटिलाइजेशन करें और कम से कम क्या करें, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज करें। ये कब हो पाता है, जब प्रॉपर जॉब डिस्क्रिप्शन वर्कर्स को अलॉट होता है, वो अपने रिसोर्सेज का बेस्ट पॉसिबल तरीके से यूज़ में लेते हैं और वही काम करते हैं जो उनसे एक्सपेक्ट है। यस और नो? चलिए फिफ्थ है हमारा पॉइंट कोऑर्डिनेशन एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। कोऑर्डिनेशन अच्छे से मेंटेन रहता है और एडमिनिस्टर करना, मैनेज करना भी इजी रहता है। देखिए तो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स कीपिंग इन माइंड द कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बाय ब्रिंगिंग क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी इंप्रूव्स। तो इसमें भी यही लिखा है कि कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग से क्या होता है, हर वर्कर्स को पता है, एक तो क्लियरिटी है वर्किंग रिलेशनशिप में, सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच के वर्किंग रिलेशनशिप क्लियर है, जॉब डिस्क्रिप्शन का जो डॉक्यूमेंट है वो सबको मिला हुआ है, इसलिए उनको पता है क्या काम करना है, कैसे करना है। तो इससे होगा क्या, कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश रहेगा और उनको मैनेज करने में भी वर्कर्स को इजी रहेगा। यस और नो? चलिए नेक्स्ट है हमारा सिक्स्थ सिग्निफिकेंस अडॉप्शन टू चेंज। अब ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन से बेनिफिशियल क्या होता है या बेनिफिट क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजिंग
ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैन बी सुटेबली मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू चेंजेस, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर हैं, वर्कर्स हैं, उनके काम करने का ढंग है, वो क्या होगा, चेंजेस हो पाएगा या हम उनको चेंज कर पाएंगे सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो इससे होगा क्या, जो भी हमारा फंक्शन है, जो भी हमारा काम है ऑर्गेनाइजेशन में या जो भी वर्कर्स का काम है, वो कंटिन्यूसली हम चेंज कर पाएंगे, मॉडिफाई कर पाएंगे अगर उसको चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ती है, राइट। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस डेवलप नहीं होता है वर्कर्स के बीच, वर्कर्स हाईली फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबल बन जाते हैं ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन के थ्रू, राइट। सेवेंथ है हमारा सिग्निफिकेंस, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। ऑर्गेनाइजिंग अफेक्टिव करने से ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपेंशन और ग्रोथ में भी फायदा होता है, एक वो फ्लेक्सिबल बन रहा है, अडेप्टेबल बन रहा है, प्लस जो रिसोर्सेज हैं उनके वो क्या हो पा रहे हैं, एक्सपेंड हो पाएंगे, उनका बेस्ट पॉसिबल तरीके से यूज हो पाएगा, वो कहीं ना कहीं एक्सपेंशन और ग्रोथ में भी आपकी मदद करेगा, राइट। एट्थ जो है हमारा सिग्निफिकेंस वो है डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल। अब वर्कर्स की एफिशिएंसी इंप्रूव हो रही है क्योंकि स्पेशलाइजेशन डेवलप्ड हो रहा है, उनके स्किल के अकॉर्डिंग, उनके कंफर्ट के अकॉर्डिंग वर्क मिल रहा है, रिलेशनशिप इंप्रूव हो रही है बिटवीन द सबॉर्डिनेट एंड द सुपीरियर। तो ये सारे चीज़ क्या करती है, कहीं ना कहीं वर्कर्स की एफिशिएंसी प्लस ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को भी इंक्रीज करती है। हो रहा है बच्चों क्लियर? तो ये थे हमारे 8 सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो आज के वीडियो में हमने क्या क्या देख लिया है, ऑर्गेनाइजिंग की एक तो मीनिंग देख ली है, बेटर तरीके से कोई भी चीज़ अरेंज करना, प्लस हमने 4 स्टेप प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग देखा, प्लस हमने 8 सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग आज के वीडियो में देखा। उम्मीद कर रहा हूँ हर एक चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। कोई भी आपके क्वेश्चन है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, बहुत ही जल्द पूरे सिलेबस के नोट्स आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे, डिस्क्रिप्शन चेक ऑन करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।